हर हर महादेव मित्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस चैनल पर अपना चौथा व्लॉग डाल रहा हूं, और जिसने भी अभी तक मेरा पहला व्लॉग केदारनाथ यात्रा, दूसरा व्लॉग बद्रीनाथ यात्रा व तीसरा व्लॉग उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का मेरा सफर मेरा अनुभव नहीं देखा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उन तीनों का लिंक डाल दिया है, तो इस वीडियो के बाद उन व्लॉगों को भी देख लेना। और जिसने भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए और घंटी वाले बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबको हमारे तीर्थ धामों से जुड़ी जानकारी, आध्यात्मिक रहस्यमय संस्कृति व अनसुने चमत्कारों के बारे में ज्ञान मिल पाए। तो चलिए आज की मेरी बाबा मणि महेश कैलाश पर्वत के सफर की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बाबा मणि महेश कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्य के बारे में बता दूं, उसके बाद मेरी यह वीडियो शुरू करते हैं। भगवान शिव से जुड़े देश भर में ऐसे तो कई स्थान हैं जो भोलेनाथ के चमत्कारों के गवाही देते हैं। यूं तो देश की ज्यादातर पहाड़ियों में कहीं ना कहीं शिव का कोई स्थान मिल ही जाएगा। उन्हीं में से एक मणि महेश कैलाश पर्वत एक रहस्यमय पहाड़ है, जिस पर चढ़ने की बात से भी कांपते हैं लोग। मणि महेश झील एक छोटा सा पवित्र सरोवर है, जो समुद्र तल से लगभग 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। मणि महेश पर्वत की कुल ऊंचाई कितनी है, इस बात का ठोस प्रमाण अभी तक नहीं पता चल पाया है। अब तक कोई भी इसकी सटीक जानकारी नहीं दे सका है। कुछ शोध के अनुसार इसकी ऊंचाई 18,556 फुट की है। इसी सरोवर की पूर्व दिशा में वह पर्वत जिसे कैलाश पर्वत कहा जाता है, जिसके पीछे से ही निकलता है वह सूर्य की पहली किरण, और मणि महेश पर्वत पर विराजमान भोलेनाथ शाम के बाद रात्रि के मध्य काल में भक्तों को दर्शन देते हैं, जिनको मणि दर्शन बोला जाता है। जिनके मन में सच्ची श्रद्धा व भावना है वे उन्हीं को दर्शन देते हैं। मणि महेश कैलाश पर्वत उन बिरले पहाड़ों में से हैं जो आज भी अजय है। इस पर चढ़ने की तमाम कोशिश नाकाम तो हुई ही हैं और कई लोगों ने तो अपनी जान तक गवाई हुई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा नगर से मात्र 85 किलोमीटर की दूरी पर बसा है मणि महेश। चंबा को शिव भूमि के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव इन्हीं पहाड़ों में निवास करते हैं। हिमाचल की पहाड़ियों के पूर्वी हिस्से में तहसील भरमौर में स्थित है प्रसिद्ध मणि महेश तीर्थ। हजारों वर्षों से श्रद्धालु इस तीर्थ की यात्रा करते आ रहे हैं। मणि महेश पर्वत के शिखर पर भोर में एक प्रकाश उभरता है, जो तेजी से पर्वत की गोद में बनी झील में प्रवेश कर जाता है। यह इस बात का प्रतीक माना जाता है कि भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बने आसन पर विराजमान होने आ गए हैं, तथा ये अलौकिक प्रकाश उनके गले में पहने शेषनाग की मणि का है। इस दिव्य अलौकिक अदृश्य देखने के लिए यात्री अत्यधिक सर्दी के बावजूद भी दर्शन करने हेतु बैठे रहते हैं। तो चलिए अब यात्रा शुरू करते हुए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं भरमौर, जहां 84 मंदिर और मां ब्रह्मानी देवी, जो नवरात्रों की देवी मां नव दुर्गाओं में से दूसरा स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी का है, जिनके दर्शन के बिना मणि महेश यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज आए हम 84 मंदिर सावनपुर भरमौर। मणि महेश की यात्रा से पहले मां ब्रह्मानी देवी और 84 जो मंदिर यहाँ दर्शन होते हैं, यहाँ पर धर्मराज का एकमात्र मंदिर है। यहाँ पर वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का धर्मराज का, चित्रकूट का एक मंदिर है। यहाँ पर 84 मंदिर है, अगर दिखाएं आपको
84 छोटे छोटे मंदिर हैं। ये बहुत पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन मणिमहेश, बाबा मणिमहेश का मंदिर है। अंदर मणिमहेश जी का स्वरूप है अंदर। और अगर आपको यह नंदी भगवान बताया जाता है, इसमें नीचे निकल के जो मनोकामना मांगे वो पूरी होती है। तू तो पापी है ना। जय माता की, हर हर महादेव। आज आए हम सावनपुर बरमौर हिमाचल प्रदेश में माँ ब्रह्माणी देवी के दर्शन करने के लिए। बताया जाता है यहाँ जब मणिमहेश के दर्शन करने जाते हैं ऊपर कैलाश पर्वत पे, तो सबसे पहले माँ देवी ब्रह्माणी देवी जी की यात्रा करके और इनके दर्शन करके ही वहाँ ऊपर जाया जाता है। अगर इनके बिना दर्शन की यात्रा सफल नहीं मानी जाती। आइए आपको यहाँ मंदिर दिखाते हैं। ये माँ ब्रह्माणी देवी जी का मंदिर है। ये हिमालय पर्वत का सुंदर दृश्य है। दूर दूर तक पर्वत ही पर्वत हैं। ये सावनपुर बरमौर जहाँ हम आए हुए हैं 15 दिनों के लिए, जिसमें मेरा योगदान पूजा पाठ के लिए। आज माँ देवी जो नवदुर्गा का दूसरा स्वरूप है, माँ ब्रह्मचारिणी ब्रह्माणी देवी, अब इसके दर्शन के बाद हम मणिमहेश के दर्शन के लिए जाएंगे। तो मित्रों, ये तो थी बरमौर 84 मंदिर और माँ ब्रह्माणी देवी की यात्रा के दर्शन। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मणिमहेश कैलाश यात्रा की तरफ। तो बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी चले हैं हम मणिमहेश कैलाश पर्वत पे। अभी कुछ ही दूरी पर चले हैं, पर जैसे लगता है बहुत चल लिए, पर अभी काफी बहुत हद तक रास्ता है, बहुत हद तक। ये लोग आ रहे हैं नीचे से, ये रास्ता है खतरनाक रास्ता है, उस पर पानी है। ये नीचे से आ रहे हैं दर्शन के लिए ऊपर जा रहे हैं, और ये ऊपर से आ रहे हैं तो दर्शन करके, और अभी हम जा रहे हैं। सीजन की कमियां यहाँ पर, और रास्ता ही बहुत खतरनाक है। भोलानाथ ने यहाँ तक बुलाया तो पार कराएगा नहीं है। जय हो बाबा मणिमहेश। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय हो बाबा मणिमहेश की। आइए आपको बाबा मणिमहेश के धाम जो कैलाश पर्वत है दर्शन कराते हैं। सुंदर दृश्य है बर्फ का, ये देखिए बर्फ ही बर्फ है। ये बर्फ है, साथ में ये रास्ता है जो ऊपर कैलाश की तरफ जाता है।
जिसका ये रास्ता सिर्फ बर्फ से है। बहुत खतरनाक रास्ता है, कोई फिसल भी सकता है। यहीं से सब निकलते हैं। देखिए अभी कैलाश पर्वत पर पहुंचने में कुछ ही समय बाकी है। हम कल के चले हुए हैं, कल सुबह से, और आज दूसरा दिन है। पैदल रास्ता है, बहुत खतरनाक रास्ता है, चले जा रहे हैं। बस उम्मीद यही है कि बाबा जो मणिमहेश है वहाँ कैलाश पे पहुँचे, तब जो खुशी की लहर हमारे अंदर होएगी, जो उत्साह है, वो हम अपने बाबा के सामने जाहिर करेंगे। देखिए बहुत समय हो चुका है, रात हमने यहीं गुजारी थी नीचे, अब फिर हम सुबह चाय नाश्ता करके चले हैं। बर्फ ही बर्फ है, ये चलना बहुत खतरनाक है क्योंकि पैर फिसल सकता है। और नीचे खाई है, आप देख सकते हैं दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ है और खाई है। बहुत खतरनाक रास्ता है। जय शंकर की, हर हर महादेव। अब पहुंचे हम गौरीकुंड। ये गौरीकुंड है जो आप पाने देख रहे हैं। यहाँ सिर्फ लेडीज के नहाने का स्थान है, और जो जेंट्स का स्नान है वो ऊपर शिव कुंड है। ये गौरीकुंड वो शिव कुंड है। अब हम यहाँ कैलाश पर्वत पे पहुँच चुके हैं। वैसे अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर ऊपर है, पर यहाँ से दिखाई देता है जो कैलाश, जिस पे आज तक कोई नहीं जा पाया। जो कैलाश पर्वत है, देखो आपको थोड़े दिखाते हैं, वो सामने जो दिख रहा है आपको, वो है कैलाश पर्वत। कृष्ण जन्माष्टमी से राधा अष्टमी तक यहाँ मेला लगता है, और राम आए हैं राधा अष्टमी के बाद, इसलिए यहाँ मेला खत्म दिखता जा रहा है। वो ऊपर सामने कैलाश पर्वत, और इस तरफ अगर दिखता हो तो वो शिव कुंड है जहाँ से मणि के दर्शन होते हैं। यहाँ पर बाबा मणिमहेश मणि के दर्शन होते हैं, और सुबह 6 बजे जब सूर्य उदय होता है करीब, तब सूर्य की पहली किरण वो कैलाश पर्वत के पीछे से निकलती है, उसके दर्शन होते हैं। वहां से मणि के दर्शन होते हैं और सूर्य के दर्शन। हर हर महादेव। अभी हम पहुंच चुके हैं ऊपर मणिमहेश कैलाश पर्वत पर। जन्माष्टमी से राधा अष्टमी तक 15 दिनों का यह मेला लगता है, और रामायण राधा अष्टमी के बाद जो मेला बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि हम भंडारे में थे 20 दिन हुए, तो हमें राधाष्टमी के बाद दर्शन करने का समय मिला है। यहाँ पर ये शिव कुंड है, बताया जाता है यह है जो आदमियों के लिए स्नान है, और नीचे जो गौरीकुंड था 2 किलोमीटर नीचे, वो लेडीज के लिए है स्नान का। और ये वही चोटी है, वही जगह है जहाँ पर बाबा मणिमहेश के दर्शन होते हैं, मणि के दर्शन होते हैं, वह सूर्य के दर्शन होते हैं, सूर्य के पहली किरण के। वो सामने कैलाश पर्वत है जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ दिखाई जाती है, कभी ओम, कभी शिव जी, कभी पार्वती, कभी गणेश, जिसके मन में श्रद्धा सच्ची भावना दिखाई देगा। और ये वही त्रिशूल है जिसको बताया गया है। यह जो त्रिशूल है भगत लेके आए थे पंजाब से, अभी 2-4 दिन पहले की बात है,
ये 3 क्विंटल का है, जो 3 क्विंटल का जो भगत है नीचे से लेके आए थे इसको पंजाब से। बहुत भारी है क्योंकि रास्ता ही बहुत खतरनाक है, शॉर्टकट में रास्ता है, कोई स्पेशल रास्ता बना नहीं है, फिर भी उस भगवान की लीला देखो जो इतना भारी त्रिशूल जो भक्त लेके आए हैं। किसी किसी के बस की बात ये वही शिव कुंड है जहाँ पर भोले बाबा के दर्शन होते हैं। नीचे हड़सर से चलकर ऊपर चढ़ाई है, जो खड़ी चढ़ाई है, सिर्फ चढ़ाई चढ़ना। ऑक्सीजन की यहाँ कमी बताई जा रही है, ऑक्सीजन की बहुत कमी है क्योंकि ऊपर यह बादलों में है मणिमहेश धाम कैलाश पर्वत, सामने कैलाश पर्वत है। सुबह 6 बजे के करीब जब सूर्य उदय होता है तो वहीं से पहली किरण निकलती है सूर्य की, और मणि के दर्शन होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियों के दर्शन होते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले, कल से पहले बहुत भीड़ थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। अभी मेला ख़त्म हो चुका है तो राधा अष्टमी तक इसका पर्व माना गया, मेला लगता है बहुत बड़ा, दूर दूर से श्रद्धालु भक्त आते हैं। जो आप ये पानी देख रहे हैं शीतल जल, बहुत ही ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई कोई नहा सकता है क्योंकि प्रकृति की देन बहुत ऊपर है ना, ठंड भी बहुत है। अभी तो सूर्य निकल रहा है, ठंड तो है, 12 के 12 मिनट ठंड रहती है, अभी ठंड कम है। पर जो आप जितना भी यह दृश्य देख रहे हैं, यहाँ बिल्कुल बर्फ जम जाती है, धुंधी धुंध रहती है और बर्फ जम जाती है हर एक जगह। ये आप जो देख रहे हैं दूर दूर तो पहाड़ है, कैलाश पर्वत है। हमको करीब 2 दिन लग चुके हैं, हम कल चले थे और आज अभी पहुंचे हैं, और अभी समय हो रहा है 4 बजे। कल चले थे, रात को रास्ते में रुक गए थे हम नीचे बीच में, बस अभी दर्शन करके नीचे की तरफ प्रस्थान करेंगे। जय बोले, जय शंकर, हर हर महादेव, बम बम बोले, जय बाबा मणिमहेश, हर हर महादेव। आइए मणिमहेश शिव कुंड में, ठंडा पानी बर्फ जैसा, इसमें नहाने के लिए जा रहे हैं हम। ले भैया पकड़ो। पांचों ये पंडित जी आधी उच के सारी जय बाबा मणिमहेश की, जय शिव शंकर। अभी हम खड़े हैं यहाँ शिव कुंड मणिमहेश ऊपर कैलाश चोटी के पास, नजदीक कैलाश पर्वत। जो आप पीछे देख रहे हैं वो कैलाश पर्वत है। करीब समय हो चुका है 6 बजे और कभी के खड़े हैं क्योंकि अभी सूर्य दर्शन का समय हो चुका है। सूर्य उदय जिस समय होता है वो जो कैलाश पर्वत है उसके बीच से ऊपर से सूर्य निकलता है। कैलाश और सूर्य का बहुत ही अच्छा संयोग होता है जो डेली होता है। कृष्ण जन्माष्टमी से राधा अष्टमी तक यहाँ बहुत भीड़ थी क्योंकि मेला लगा हुआ था। अभी मेला बिल्कुल खत्म हो चुका है,
हम नीचे सावनपुर ब्रह्मौर में ठहरे हुए थे 25 दिनों से, वहाँ भंडारा था। तो अब उसके बाद राधाष्टमी के बाद आए हैं, कुछ ही भीड़ यहाँ है, जो भक्तगण अभी आ रहे हैं, बाकी भीड़ बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मेला खत्म हो चुका है। यही वो स्थान है जहाँ पर मणि के दर्शन होते हैं, बाबा कैलाश के दर्शन होते हैं, वह सूर्य के दर्शन होते हैं। ऊपर चोटी से जब सूर्य निकलता है, पहली किरण उसकी वहीं से निकलती है। और बताया जाता है साक्षात शिव शंकर जी विराजमान है कैलाश पर्वत। इस कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं जा पाया है, जो गया है वापस नहीं आ पाया। इसको बोले की लीला ये समझ सकते हैं। यह है जो आज हम खड़े हैं शिव कुंड है, जो इसका ये पानी है शिव कुंड का, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयंकर, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा है, बर्फ जैसा। और बताया जाता है सबसे पहले इसमें नहाया जाता है तभी दर्शन होते हैं। तो हम सब रेडी होकर यहाँ खड़े हुए हैं, अभी सूर्य दर्शन के लिए खड़े हुए हैं, कभी के खड़े हुए हैं। तो बस अब इंतजार का समय खत्म होने वाला है, करीब सूर्य जो उदय होने ही वाला है, बस हम उसी के इंतजार में खड़े हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का यही माध्यम है कि आप भी घर बैठे, जहां भी बैठे हैं, इस दर्शन को देखें और अपने भाग्य को सुधारें, अपने पुण्य के भाग्य बने। जय बोले की जाओ सूर्य की पहली किरण, कितना सुंदर दृश्य है। चल भर लिया वहाँ तो मित्रों बताइए कैसी लगी मेरी यह आज की वीडियो, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही हमारी संस्कृति सनातन धर्म से जुड़ी रहस्यमय आध्यात्मिक जानकारी, ज्योतिष संबंधित जानकारी लाता रहूंगा, जिससे आप हमारी संस्कृति से जुड़े रहे और घर बैठे अमूल्य ज्ञान की प्राप्ति हो। धन्यवाद। हर हर महादेव। बाबा मणि महेश आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखें।